हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी अक्षरी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फुल फॉर्म, क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि IIT लिखा हुआ है, ITI लिखा हुआ है, इसे एड्स एक बीमारी है, ये अगर शॉर्ट में लिखा हुआ रहता तो लोग इसे एड्स भी बोलते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, AIR का फुल फॉर्म क्या होता है, AIIMS का फुल फॉर्म क्या होता है, जितने भी हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डबल ए, तो डबल ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डबल ए का फुल फॉर्म होता है एंटी एयर क्राफ्ट। डबल ए का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी एयर क्राफ्ट या ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। डबल ए का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी एयरक्राफ्ट या ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। और आगे है ABM, तो ABM का जो फुल फॉर्म होता है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ABM का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और आगे है एड्स, देखिए एड्स एक बीमारी है, लोग इसको शॉर्ट में एड्स बोलते हैं, लेकिन एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन चलिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे ये लोग आम बोलचाल की भाषा में एड्स भी बोलते हैं। और आगे है एम्स, AIIMS, तो एम्स यानी कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। लोग इसके शॉर्ट फॉर्म में एम्स ही बोलते हैं, लेकिन एम्स का फुल फॉर्म होता है क्या होता है वो आज जान लीजिए। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और आगे है AIR, तो AIR का फुल फॉर्म क्या होता है, AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। और एक और सुने होंगे AIR का फुल फॉर्म ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक भी होता है, जो यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोगों को बता दिए हैं, इस जान लीजिए। और आगे है BCG, आगे क्या है BCG, तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन। जो BCG जो है वो यानी कि TB का प्रतिरोधक टीका है, TB का प्रतिरोधक टीका कौन है, BCG। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन। और आगे है VHEL, BHEL, तो BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और आगे है CBSE, देखिए CBSE बोर्ड से हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है किसी को पता नहीं रहता, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को CBSE से पढ़ाए, क्योंकि आजकल जो दौर हो गया वो इंग्लिश का दौर हो गया है, तो CBSE का फुल फॉर्म उसे नहीं पता रहता है, लेकिन CBSE में पढ़ाना जरूर चाहता है। तो CBSE का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और आगे है CID, देखिए CID हर कोई देखता है, लेकिन पूछे कि CID का फुल फॉर्म बताओ, यानी कि जो यानी काम करने वाला इंसान है, कोई भी इंसान, हर कोई CID देखता है, उससे देख बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखना भी चाहिए, लेकिन अगर उससे पूछिएगा कि CID का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो बता नहीं पाएगा। तो CID का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और आगे है CPC, तो CPC का फुल फॉर्म क्या होता है, CPC का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड। और आगे है CPI, CPI एक पार्टी है, तो CPI का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे है CRPF, CRPF एक जॉब है जो सेंट्रल रेलवे के तहत आता है, तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और आगे है CTBT, आगे क्या है, CTBT, तो CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या होता है, सिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और आगे है CVR, तो CVR का फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। क्या होता है, CVR का फुल फॉर्म कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और आगे है DDA, तो DDA का फुल फॉर्म होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है, DDA का फुल फॉर्म दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आगे है DRDO, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए DRDO जो है
एक साइंटिस्ट संस्था है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आगे है ECG। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और आगे है FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। और आगे है FBI। तो FBI का फुल फॉर्म क्या होता है? FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही संबंधित है। और आगे है FCI। FCI, तो FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म का, उस सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे कॉपी में भी नोट करें, और ज़्यादा नहीं एक दो बार इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपको एकदम हम गारंटी लेते हैं कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। और आगे है GMT। तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, जो विश्व मानक समय से संबंधित है। क्या है? विश्व मानक समय से संबंधित है। और आगे है GNP। तो GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे है HMT। देखिए आप लोग किसी भी मशीन पर देखे हुए लिखा हुआ रहता है HMT, या आजकल आमतौर पर यानी कि लोग ट्रैक्टर पर देखिएगा लिखा हुआ रहता है HMT, यानी कि पुरानका जमाने वाला ट्रैक्टर जो था उसमें यानी कि बहुत मजबूत रहता था, उसमें लिखा रहता था HMT। तो HMT का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और आगे है ICJ। तो ICJ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आगे है IIT। तो IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आगे है ILO। तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आगे है IMF। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। और आगे है INA। तो INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। और आगे है IPC। आगे IPC का धारा लगता है, तो IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। क्या होता है? IPC का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड। और आगे है ISI। तो ISI का फुल क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है? एक सेकेंड रुक जाइए कि थोड़ा सा। IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। IPC का धारा लगता है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि IPC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। और आगे है ISI। ISI एक जो है आतंकवादी संगठन है, और दूसरा ISI है, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो अलग है और ये अलग है। और आगे है ITDC। एक आगे है ITDC। तो ITDC का फुल फॉर्म होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और आगे है ITI। तो ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट भी इसे बोल सकते हैं। और आगे है LBW, जो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग यानी कि LBW सुनते होंगे, तो LBW का फुल फॉर्म क्या होता है वो आज जान लीजिए। तो LBW का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। क्या होता है?
एल बी डब्ल्यू का फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट। और आगे एल आई सी, तो एल आई सी हर हर यानी कि परिवार में देखिएगा माता पिता खुलवाए हुए रहते हैं एल आई सी, तो एल आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है उनको पता नहीं रहता। तो एल आई सी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि पूरा ज़िंदगी के इंश्योरेंस बना के रखा रहता है एल आई सी, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है एल आई सी का फुल फॉर्म। और आगे है एल पी जी, तो एल पी जी एक गैस है, तो एल पी जी आजकल तो एल पी जी से बहुत कुछ चलने लगा, जैसे देखिएगा हवा हवाई भी चलता है एल पी जी से, अब तो देखते हैं बोलेरो भी एल पी जी से चलता है। तो एल पी जी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है एल पी जी का फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक है आगे है लिट्टे, एल टी टी ई, जिसे लिट्टे भी बोलते हैं, लिट्टे एक संगठन है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और आगे है मीसा, एम आई एस, तो मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और आगे है नबार्ड, एन ए बी ए आर डी, तो नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आगे है नासा, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और आगे है एन सी ई आर टी, देखिए एन सी आर टी का बुक जो है सबको पढ़ता है, लेकिन एन सी ई आर टी का फुल फॉर्म क्या होता है किसी को पता नहीं रहेगा, उतना लोग जानते ही नहीं है, कहा कि उतना अंदर जाएगा। मैं तो बनारस से मतलब रखता है, साइंस पढ़ने से मतलब रखता है, कहा के लिए, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो लेकर आया हूँ। तो एन सी आर टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों इसी में है, ठीक है, यानी कि रिसर्च भी करता है और ट्रेनिंग भी देता है। और आगे है एन डी ए, तो अभी एन डी ए का सरकार भी चल रहा है, लेकिन एन डी ए एक सूर्य पार्टी का संगठन है, और ए एन डी ए एक डिफेंस यानी कि जॉब जॉब है जो एन डी ए में बचा जाता है, ये भी एक मतलब संस्था के टाइप का मान लीजिए। तो एन डी ए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और आगे है ओ टी ए, तो ओ टी ए का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, सेना से संबंधित है। और मान लीजिए कहीं पूछ दिया ये ओ टी ए है, कहीं पूछ दिया अगर ओ टी, तो ओ टी का मतलब समझिए कि ऑपरेशन थिएटर का बात कर रहा है। क्या चीज़ बात कर रहा है? ऑपरेशन थिएटर का। अगर बोल दिया सिर्फ ओ टी, ओ टी ए नहीं, सिर्फ ओ टी अगर बोल दे कि नहीं हम इनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगा, इनको ओ टी में रखना पड़ेगा, तो ओ टी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। और ओ टी ए का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो सेना से संबंधित है। और आगे है एन एस जी, तो एन एस जी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। क्या होता है? एन एस जी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। और आगे है पी आई एन, देखिए पिन कोड जिसको बोलते हैं, तो पी आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है पी आई एन का फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको पिन कोड भी बोल सकते हैं। और आगे है पी टी आई, तो पी टी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी टी आई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पी टी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान से पढ़िए भाई, समझ गए? तो आगे है पी वी सी, तो पी वी सी का फुल फॉर्म क्या होता है? परमवीर चक्र। पी वी सी का फुल फॉर्म क्या होता है? परमवीर चक्र। और आगे है रडार, रडार के नाम सब लोग सुने होंगे, लेकिन रडार जो है वो शॉर्ट में लिखा रहता है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो एंगल डिटेक्टिंग एंड रेसिंग। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म? रेडियो एंगल डिटेक्टिंग एंड रेसिंग। और आगे है आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आगे है पीएनबी, तो पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक। क्या होता है पीएनबी का फुल फॉर्म? पंजाब नेशनल बैंक। और आगे है एसबीआई, तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है एसबीआई का फुल फॉर्म? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आगे है सार्क, सार्क, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एस ए ए आर सी का, तो एस ए आर ए आर सी का फुल फॉर्म होता है साउथ, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
और आगे है SLV। तो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है SLV का फुल फॉर्म? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आगे है SPG। SPG तो SPG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या होता है SPG का फुल फॉर्म? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और आगे है STD। STD STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी कि टेलीफोन से संबंधित है। जैसे STD के नाम सुनते होंगे आप लोग, बहुत अक्सर सुनते हैं STD के नाम कि STD में जा रहे हैं, लेकिन STD का फुल फॉर्म क्या होता है आज बता दिए। और आगे है टेलको, TLCO। क्या है TELCO? TELCO का क्या होता है फुल फॉर्म? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। क्या होता है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। और आगे है टिस्को, TISCO। तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और आगे है UAE। UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और आगे है UGC। तो UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है UGC का फुल फॉर्म? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और आगे है UPSC। तो UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए UPSC का तैयारी करना हर एक इंसान, हर एक की तैयारी करने वाला बच्चा चाहता है, और बहुत बेहतरीन जॉब भी है इसके अंदर। समझिए कि पावर कितना है, वो तो अलग बात है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, हर चीज़ में वैल्यू अलग ही रहता है। तो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। और BPSC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो BPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BPSC का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और आगे है VIP। तो VIP का फुल क्या होता है? वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। नहीं देखते हैं तो कहने के गांव घर में बच्चा मजाक करता है, हर डे भाई VIP आदमी आ रहा है, तो VIP आदमी तो बोल देता है, लेकिन VIP का फुल फॉर्म क्या होता है नहीं पता रहता है। तो आज जान लीजिए VIP का फुल फॉर्म क्या रहता होता है? वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ये। और आगे है WHO। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आगे है YMCA। तो YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या होता है? यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। और आगे है YWCA। क्या है? YWCA। तो YWCA का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग वोमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग वोमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। और आगे है ZPG। आगे क्या है? ZPG। तो ZPG का फुल फॉर्म होता है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होता है ZPG का फुल फॉर्म? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आता रहूं, जो यानी कि निजी जीवन से मैं बहुत यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका रखता हो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन रहेगा ही, ये तो मेरा गारंटी रहता है। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, बड़ों से मोहब्बत रखिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को इज्जत कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।